इस वक्त हमारे साथ टीएस यूएनएसएस से प्रदेश अध्यक्ष मार्कंडे पाठक जी हैं। मार्कंडे पाठक जी से जानेंगे कि शिक्षक एकता मंच की आज जो बड़ी बैठक हुई है उसमें कौन कौन से डिसीजन लिए गए हैं और इनकी अगली रणनीति क्या है। कहा जा रहा है कि इन लोगों ने 24 घंटे से 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है सरकार को। सक्षमता परीक्षा के बहिष्कार की बात पहले से भी कर रहे हैं, बहिष्कार का भी ऐलान फिर से दोहराया गया है। मार्कंडे पाठक जी, क्या क्या डिसीजन लिया गया है और अब क्या करने वाले हैं आप लोग? देखिए, हम लोग तो पहले से ही सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार कर रहे हैं और बड़े तादाद में शिक्षकों ने फॉर्म नहीं भरा है और जिन लोगों ने भर भी दिया है उन लोगों के लिए आज आह्वान हुआ है कि 25 तारीख को सभी शिक्षक अपने जिला मुख्यालय में एकत्रित होकर के प्रवेश पत्र को जला करके अपना विरोध प्रकट करेंगे और ऐसा कर भी रहे हैं। सभी शिक्षक अपने स्कूलों में, प्रखंड मुख्यालयों में कर रहे थे, अब इसको जो है बड़े पैमाने पर 25 तारीख को जिला मुख्यालयों में किया जाएगा। साथ ही 48 घंटे का समय दिया गया है शिक्षक संगठनों की ओर से, जिसमें साफ साफ सरकार जो पिछले दिनों में माननीय उप मुख्यमंत्री जी के जरिए जो हम लोगों की बातचीत हुई थी, उस बातचीत का क्या परिणाम निकला आज तक अभी तक ये ज्ञात नहीं हुआ है। इस पर हम लोग मांग करते हैं कि अविलंब मंच के प्रतिनिधियों से बातचीत करके और इस समस्या का हल किया जाए, नहीं तो 28 तारीख को अपने अपने माननीय विधायकों की आवाज पर घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन उस क्षेत्र के जितने शिक्षक है पहुंच करके करेंगे और ये लड़ाई अब आर पार की लड़ाई होगी। मतलब अब आप लोगों को ये लग गया है कि अब सिर्फ और सिर्फ आंदोलन के सहारे ही आपकी बातें मानी जाएगी, उससे मतलब वार्ता से बात सुलझने वाली नहीं है? अब वार्ता तो हम लोग इंतजार ही कर रहे हैं। हम लोगों को बोला गया था, 2 दिन का समय लिया गया था, लेकिन वो 2 दिन का समय कब का पार कर गया। अब जो है वो 2 सप्ताह में तब्दील होने जा रहा है और अभी तक जो है परिणाम सामने नहीं आया है। तो हमारी तो सबसे पहले मांग यही है कि परीक्षा, जो तत्काल परीक्षा की तिथि है उसको स्थगित किया जाए, पहले वार्ता हो और हमारी समस्याओं के समाधान करने के बाद ही सरकार आगे की कोई नीति निर्धारण करे। नहीं तो आप लोग से जो वार्ता हुई या उससे पहले से, वार्ता से पहले से कई मामलों में तो स्टेटमेंट आया है सरकार के प्रतिनिधियों की तरफ से या के पाठक की तरफ से भी, हालांकि वो ये कह सकते हैं आप लोग कि संशोधन होना चाहिए जो नियमावली में वो नहीं हुआ है, लेकिन बातें तो निकलकर संकट सामने आ ही रही है। इसलिए नौकरी नहीं समाप्त होगी, सेवा समाप्त नहीं होगी, चाहे भी कितनी बार भी हो, 3 से 5 दफा 5 मौके दिए गए परीक्षा के लिए, 2 बार ऑफलाइन की भी व्यवस्था की गई है, सरल प्रश्न पूछे जाएंगे ऐसा भी टीके पाठक ने कहा है, तमाम चीजें। तो धीरे धीरे आप लोग को लगता नहीं है कि आंदोलन का असर हो रहा है आप लोग? जी, सारी बातें जो है मौखिक हैं, लिखित में कहीं कुछ नहीं है। हम जो 20 साल 15 साल 10 साल से सर्विस कर रहे हैं, हमारी नियमावली में पूर्व से ये निर्धारित था कि हमको जो है प्रमोशन दिया जाएगा। जो 1-5 के शिक्षक हैं उन्हें स्नातक ग्रेड में प्रमोशन देने की बात थी 8 साल की सेवा के बाद। उसके बाद हमारे जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक थे 6-8 के, उन्हें प्रधानाध्यापक के पद पर प्रमोशन देने की बात थी मध्य विद्यालय में, प्राइमरी विद्यालय में। साथ ही साथ जो हाई स्कूल के शिक्षक थे उन्हें स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में प्रमोशन देना था, और जो स्नातकोत्तर के शिक्षक थे उन्हें हाई स्कूल प्लस टू विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद पर प्रमोशन देना था। तो सरकार हमें राजकर्मी नहीं बना रही है, हमारे जो पूर्व निर्धारित और जो हमारे नियमावली में निर्देशित है उस प्रमोशन के हमारे लाभ को छीन रही है इसके जरिए। सबसे तो पहले सरकार हमारे प्रमोशन के लाभ को से हमको लाभान्वित करती, उसके बाद आगे कोई निर्णय लेती। नहीं, सदन तो में तो, सदन में मार्कंडे जी, सदन में प्रोफेसर संजय कुमार सिंह जो कि तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के विधान पार्षद हैं और कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के हैं संजय कुमार सिंह, डॉक्टर संजीव कुमार सिंह और महेश्वर सिंह, इन 3 लोगों ने इन्हीं सब मसलों पर सवाल पूछा था ध्यानाकर्षण के दौरान। इस पर शिक्षा मंत्री का जवाब भी आया है कि सुविधाएं पूरी होगी, हम लोग बातचीत करके उस पर फाइनल नतीजा पे निकलेंगे, मतलब आश्वासन दिया गया उस मसले पर भी। और ऐच्छिक स्थानांतरण पर भी कहा गया कि रिक्तियां हो रही तो जरूर
जो जहां है वहां पर रखा जाएगा। नियुक्तियां होंगी तब, हम तो जा ही रहे हैं अपने पद से, जहां पर हैं वहीं से हमको भेजा जा रहा है। हम तो जहां हैं वहां तो पदस्थापित है, रिक्ति तो ऑलरेडी है ही वहां पर। हाँ, तो मतलब अंक उसमें जोड़ा गया, जरूरत है जो हमारे नियमावली में भी था कि एक्ची का स्थानांतरण का लाभ दिया जाएगा, नियोजन नियमावली में भी था, तो पहले तो उस उनको एक्ची का स्थानांतरण का लाभ देना चाहिए था। आप कहा जा रहे हैं कि आप परीक्षा दीजिए, सब लोग तीन जिला का जो है सो च्वाइस लीजिए और आपको जो है सो गोटी भाज दिया जाएगा और जहां जो जा करके गिर जाए जिस जिला में गिर जाए। नहीं, अगर आप अपने जिला में रह सके तो तीन जिला के च्वाइस में से कहीं दिया जाएगा, उसमें भी नहीं हो सके तो कहीं भी भेजा जा सकता है। तो ये तो सरासर जो है अन्याय है, और जो कैबिनेट ने, जो सरकार ने जो हमारी नियोजन नियमावली बनाई थी, उस नियोजन नियमावली का उल्लंघन है। इस पर तो शिक्षक संघ जो है कोर्ट में भी है और हम रोड पर भी अब उतरने जा रहे हैं मजबूती के साथ। हम लगातार सरकार को चेतावनी दे रहे थे और ये जो है सो अंतिम चेतावनी है कि 48 घंटे के अंदर में हमसे बात करें और हमारे समस्याओं का समाधान निकालें, तब तक परीक्षा को स्थगित करें। और परीक्षा की हम बार बार कह रहे हैं कि परीक्षा की जरूरत ही नहीं है, हम दक्षता और पात्रता परीक्षा दिए हुए हैं, हम TET/STT की परीक्षा दिए हुए हैं, हम NCERT के सभी मापदंडों को पूरा करके उस समय जो जरूरत थी उस जरूरत के अनुसार हमारी बहाली हुई है। फिर ये परीक्षा थोपा जाना और फिर ये जबरन जो है स्थानांतरण किया जाना, हमारी वरीयता जो पहले से हमको प्रमोशन का लाभ है उसको छीन लेना, उसको चुरा लेना और अब जो है नए सिरे से फिर से हमको पदस्थापित करना, ये हमें कतई मंजूर नहीं है। अच्छा, एक चीज सोचने वाली बात है, आप लोग भी सोचते होंगे कि सब लोग आश्वासन दे रहे हैं, सब लोग ये बोल रहे हैं, जो JDU के भी जो विधान पार्षद हैं या जो नेता हैं वो लोग भी बोल रहे हैं आप ही लोटे समर्थन में, जैसे कि नीरज कुमार जी हैं विधान पार्षद हैं वो भी, या BJP के भी जो नवल किशोर यादव जी हैं, जीवन कुमार जी हैं, सब लोग आपके पक्ष में हैं। सम्राट चौधरी विजय सिन्हा ने तो लाठियां तक खाई थी, अब भी वार्ता की उन्होंने पहल की, और शिक्षा मंत्री का भी बयान आता है तो वो भी बोलते हैं, लेकिन चीजें आपके अनुकूल नहीं हो रही है। तो आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है, कहाँ क्या मतलब मंशा पे सवाल है या फिर कोई बाध्यता है कि शिक्षा विभाग हो, सरकार हो, ये तमाम लोग मतलब चाह रहे हैं कि जो वो चाहते हैं वही हो, आप लोग क्या लगता है? ये तो सिर्फ और सिर्फ हठधर्मिता है। ये सरकार जो है लग रहा है कि शिक्षकों से कोई बदला ले रही है, जब जब जो है मतलब ये सरकार या कोई भी सरकार, जब विपक्ष के लोग साथ हैं, जब पक्ष के लोग साथ हैं, तो आखिर ये कौन लोग हैं कि ये एकदम हठधर्मिता निभाए हुए हैं? अब तो ये बिहार की जनता समझ रही है कि वो पक्ष के लोग जो हमारे साथ सवाल उठा रहे हैं विधानसभा में या विधान परिषद में, या विपक्ष के लोग सवाल उठा रहे हैं, ये सिर्फ घड़ियाली आंसू है या फिर जो है वाकई में इनकी नीयत हमारे पक्ष में खड़ा होने की है? कल तक यही भाजपा जो है लाठियां खा रही थी, कल तक ये लोग जो है सो संघर्ष कर रहे थे, और आज जब बिहार विधानसभा में है और जब ये जो है विधान परिषद में है, सरकार में है, मंत्री है, हमसे बात भी किए, हमको आश्वासन भी दिए कि सारी समस्याओं का हल होगा, तो आखिर हल निकल क्यों नहीं रहा है? आखिर बात क्यों नहीं मानी जा रही है? मतलब अगर नहीं मानी जा रही है और आपकी सरकार है और आपकी बात नहीं मान रही है, तो फिर आपको आकर कहिए कि नीतीश जी हमारी बात नहीं मान रहे हैं। तो महागठबंधन की सरकार ने भी तो मौका दिया है ना इन लोगों को, महागठबंधन की सरकार ही अगर कर चुकी होती, आप लोगों का जो भी डिमांड पूरी कर दी होती, नियमावली में वैसे ही बातें होती जो आप लोग चाहते हैं, तो फिर तो यहाँ पर बात ही नहीं पहुँचती। यानी सरकार चाहे महागठबंधन की हो चाहे NDA की हो, आप लोग को ये नहीं लगता है कि दोनों समान काम, मतलब सब लोग का यही एटीट्यूड है? एकदम सबका ही, आज के डेट में हम यही समझते हैं कि सब लोग एक जैसे ही हैं, एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, चाहे वो महागठबंधन हो या फिर जो है सो NDA हो। और खास करके भाजपा के जो अपना चरित्र है उसको तो सुधारने का ये अवसर था। आज तक जो भाजपा जो कहती रही है उसको कभी की नहीं है, लेकिन अब ये विश्वास जगा था कि शायद भाजपा जो कही है वो करेगी। उसमें जो है सो माननीय सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री जी ने वार्ता भी किया, तो हम तो अभी भी कहेंगे कि हमें उन पर भरोसा है
और उस भरोसा जीतें और हमारी मांगों को पूरा करवाएं, वार्ता करें, क्या हुआ ये तो कम से कम बताना चाहिए था बुला करके। बिल्कुल बिल्कुल, दो दिन का अगर वो वक्त लिए थे तो बुलाते तो सही कि क्या हुआ, किन किन बातों पर सहमति बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किन किन बातों के लिए कहा कि हाँ हम आपकी पूरा करेंगे, किन किन बातों के लिए कहा कि हम नहीं पूरा कर पाएंगे, तो कोई बीच का रास्ता भी निकलता। लेकिन ये लोग तो मझधार में छोड़ दिए कि आप जैसे कर रहे हैं करते रहिए, तो हम लोग इस समय अब चुप बैठने का वक्त नहीं है हम लोगों का, चुप हम लोग नहीं बैठ सकते हैं। हम चाहे जो भी हो, जो कोई भी जीत करके विधानसभा में गया है वो हमारे क्षेत्र से ही गया है, इसलिए और किसी को जवाब देना पड़े या न देना पड़े लेकिन उनको तो जवाब देना ही पड़ेगा, इसलिए तो हम 28 तारीख को पटना में आ रहे हैं, उनके आवाज पर घेरा डालो डेरा डालो करेंगे और उनसे अनुनय विनय आवेदन निवेदन करेंगे कि आप हमारी मांगों को पूरा करवाइए, अन्यथा आपके लिए भी बहुत बुरा होगा आने वाले चुनाव में। चलिए चलिए ठीक है मार्तंडेय पाठक जी, हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि जो कहा जा रहा है वो फुलफिल भी हो और आपकी मांगे पूरी हो, लेकिन दिक्कतें कहाँ आ रही है यही समझ से परे है, क्योंकि सब लोग चाहते हैं जो आपकी डिमांड है जो आपकी मांग है वो जायज है, सब लोग यही कहते हैं, फिर भी पूरा नहीं हो रहा है, ये भी सोचने वाली बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मार्तंडेय जी।